नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे गलती हो गया सब। हम इधर ऐसे घूमने को चलाया था, घूमने को आए? हाँ साहब, हमको पता नहीं था साहब। अच्छा, कहाँ से आ रहे तू? अभी मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से है साहब। अच्छा साला, बांग्लादेशी है तू? नहीं नहीं सर, अभी बांग्लादेशी नहीं सर, हम इंडियन। हमें क्या विश्वास करो, हमें क्या विश्वास करो साला। तुम बांग्लादेशी तर मरने को काय को आता है? अभी बांग्लादेशी नहीं सर, हमारा कपड़ा दे दो, हम मां को सब इधर कॉमेडी आएगा। अभी नहीं आएगा तो अभी काय को आया इधर? नहीं चाहिए पापा जगह है साला कुत्ता। हट साला, अब कर दो साहब। संसारे, दूसरे को उतार, उतार उसको। हाँ साहब। ए वो क्यों रहे? माँ मर गई क्या? कमी ने नीचो तक उसने उसको उतार दिया। दरअसल काफी दिनों से हमारे एरिया में कत्लेआम और डकैतियां हो रही थी। हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था और प्रेशर भी कुछ ज्यादा हो रहा था, बट लकीली कल हमारे इन्फॉर्मर ने बताया कि ये लोग इसी एरिया के आजू बाजू में घूम रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें ट्रैप किया और हाईवे में जाके ब्लॉक कर लिया। एक आधे घंटे की गोलीबारी के बाद हम लोगों ने मार गिराया। लाल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। वैसे एनकाउंटर में दोनों तरफ से गोलियां चलती है ना, फिर ऐसा क्यों होता है कि क्रिमिनल्स के बारे में लिखा जाता है अगले दिन न्यूज़पेपर में कि वो मारे गए या घायल हुए, कभी किसी पुलिस वाले के बारे में ऐसा नहीं लिखा जाता? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? अगली बार आइएगा मेरे साथ एनकाउंटर में, जब शरीर के 2 इंच की दूरी से गोली चलती है ना, तब आपको पता चलेगा एनकाउंटर क्या होता है। आप लोग तो सिर्फ खड़े खड़े सवाल कर लेते हैं। ये देखिए, कल इसे गोली लगी है, अब चाहे तो मैं पट्टी खोल के दिखा सकता हूँ। मैडम, सवाल करना बहुत आसान होता है। सुना है आपका ट्रांसफर मुंबई हो रहा है? सही सुना आपने। हर इंसान का सपना होता है कि वो मुंबई जाए, क्योंकि मुंबई इज नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ फाइनेंस बट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ क्राइम। अब मुंबई जाऊंगा, वहां लोगों की भरपूर सेवा करूंगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।
किनारे किनारे वाले। अरे तो क्या करोगे, पीट पीट के मारेंगे, सोचेंगे नहीं, नहीं सुनने वाले हैं, जानते नहीं उनको। फिर बात ये, रुक जाओ, अरे क्या करोगे, अबे यहीं पत्थर ढूंढ करके तुम्हें ऐसे गिरा गिरा के मारेंगे, रुक जाओ यहीं पत्थर। ए हीरा, जो तुमने भैया को काहे परेशान कर रहे हो तुम उसको, अरे यहाँ आओ तुम दोनों। अरे ठीक है नहीं बताएंगे, बोला ना नहीं बताएंगे। हम तुमसे कह दिया कि हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, तो बैठो यहाँ पे भाई। देखिए झींगुर जी से कोई कुछ नहीं पूछेगा, बिल्कुल भाई ठंडाई लाइए। हाँ ये आपके लिए है झींगुर जी। भैया थैंकू। हाँ झींगुर जी अब बताओ क्या हुआ। हाँ भाई हीरा निकालो तनिक मुंह से। अरे भैया भैया हम ही बता देते हैं। तनिक चश्मा तो उतार लीजिए। हाँ, भैया निकाल भैया बहुत तो मामले को चल रहा, हम उचके फिर और उचके और फिर फट गए झांगिया और का। आइए भैया घर चलते हैं। चलो काहे भैया घर, किशन बाबू हमेशा ही ऐसे मूड में थोड़े ही आते हैं। किशन बाबू का उही अच्छा ठीक है भाई, आल्हा तो हम सुनाए देंगे, लेकिन तब जब झींगुर जी हमसे कहेंगे। अच्छा भैया सुना दीजिए। तो आज हम आप लोगों को वहाँ से सुनाते हैं जब आला उदल को पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चाड़ा ने घेर लिया। हाँ। और चाड़ा ने जब ललकारा है उदल को। हाँ। तो उनकी ललकार सुन के उदल के तन बदन में आग लग गई, और भुजा फड़क गई, उस बहादुर की नाचन लगे मुच्छ के बाद, और कटकट बोटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरा, एक कुमार है दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग ऊपर लूथ लई लटकाए, और उधर बोला चाड़ा से रे चाड़ा, हे पूरी कचौड़ी दिन दा दिन दिन दा दिन दिन, हे पूरी कचौड़ी जहाँ न मिल है बारह मास चले तलवार, और जाके कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पहली वाणी में बोलत नहीं, पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस दे तलवार। इसलिए तो कहते हैं भैया 12 बरस तो कुकुर जिए, 16 बरस जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, ज्यादा जिए तो धिक्कार। फिर कबीर जो तूने बोला मेरे हाथ से खाएगा मार। भैया अब सभा विसर्जित होत है। हाँ भैया सुनो वीर हनुमान, और जो जन जहां से आए हो तया को करो पया। किशन बाबू पकिया आया था। कौन पकिया? प्रकाश सावंत, कूड़ा बिल्डर का मुंह लगा हुआ है, उसका खास आदमी बना हुआ है। ये पकिया कहीं वो तो नहीं काला सा लड़का जो जीप लेके यहाँ वहां घूमता रहता है? भाई पंडित जी आप एक काम करें, कल ही तबेले के बाहर एक ठो बोर्ड लगवा दीजिए कि जगह बिकाऊ नहीं, और फिर बहुत दिन से मेल मुलाकात टलता है, कल हम लोग चल के हुड़ा से मिल ही आते हैं। ठीक चल। कुंभकरण का नींद है पंडित जी, ये घंटुलिया का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता नहीं बाबू साहब रात रात भर जाग कर ही कंप्यूटर पर कहां करते रहते हैं।
दिल चाहता है। सोए रहो लल्ला, आज हम भी बात कर लेते हैं। अरे भैया फोन, अरे भैया फोन दीजिए, वो आ? वो फोन काट देगी भैया। भैया फोन दीजिए प्लीज भैया। खाना कबीर, हम तुम्हारा नाम थोड़ी पूछे हो, दिल चाहता है। अरे भैया दीजिए ना फोन, भैया भैया फोन काटेगा फिर फोन आएगा नहीं। काट दिया आपने फोन हमारा। अरे तो हम थोड़ी काटे भाई, वहां से काट दिया। लाइए अब हमारा फोन दीजिए। लो भैया संभालो अपना फुंतरू। फिर आ गया। हाय कबीर यार। अरे तुम भड़क क्यों रहे हो यार, मेरी बात तो सुनो। वो भैया ने फोन उठा लिया था। दिल चाहता है। ओ तुम पहुंच गए क्या? ओ यू ऑलरेडी देयर, मैं एक मिनट में आया। बी देयर। ट्रैफिक हुआ था ना? कार नहीं थी। हाँ समझती। तो पहले जाना पड़ा गाड़ी लाने के लिए। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, वो गाड़ी लेकर आया हूँ। देखो चिंगर। हाँ भैया कितना लीटर? यार इसको भी दूध के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अच्छा टेल मी कबीर, व्हाई यू ऑलवेज इन द थिक ऑफ थिंग्स? हिंदी में, हिंदी में। ए गुंगा भैया, भैया देख किसको ला रहा है। अरे मैडम। अरे मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। वो हमको लगा कि भैया ने दूध की नई एजेंसी ले ली है, ले हम सारी। कोई बात नहीं मैडम, सारी गुंगे की तरफ से। चप, चप। ओके लेट्स गो। सो हाउ वाज इंटरव्यू? हां इट वाज गुड। ए रुक, किधर? पूरे सामने बुलाया। एक मिनट। हेलो भाई जी, आपसे कोई मिलने आया है? क्या नाम है? किशन यादव। किशन यादव तबेले वाले? हाँ हाँ ठीक है जा। ए रुक, सामान तो नहीं है ना? जब रखूंगा तेरे को बता दूंगा ना। बड़ा बाल रख लिया तो अपने आप को शाना समझता है क्या? ये लिफ्ट यहाँ पर सही है क्या? ये सेंटर पिलर आपके हिसाब से? किशन यादव साहब, कितने बार तुम्हारे दबले में आना पड़ेगा? मैं आपके साथ बहुत बिजी है क्या? थोड़ा साहब बैठिए। नरेंद्र हुड़ा बैठिए। हुड़ा साहब बहुत बड़ा बिल्डर है यहाँ। बहुत बड़ा टावर बना है इन्होंने, बिग सिटी टावर, ठीक तुम्हारे तबेले के पीछे। अभी लफड़ा क्या है ना, इतना साला पॉश चकाचक टावर बनाया है। कोई कस्टमर आता ही नहीं है तुम्हारे तबेले की वजह से। एक काम करो, ये तबेला छोड़ दो। हाँ तुमको, तुम्हारे वर्करों को बहुत अच्छे फ्लैट देंगे उड़ा साहब फसई में। अरे 24 घंटा पानी, हवा भी 24 घंटा। और उधर कुछ लफड़ा होगा ना तो अपने सारे बंटर है उधर। क्या किशन भाई, इस जगह का मालिक कौन? मैं हूं, मैं ही इस जगह का मालिक हूं। मैंने कहां कहां से पैसे इकट्ठे करके प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो तकलीफ मुझ पर आएगी, और अगर तकलीफ मुझ पर आएगी तो सब पर तकलीफ आएगी, समझ रहे ना आप? देखिए होड़ा साहब, अगर हमने आपकी बिल्डिंग के सामने अपना तबेला बांधा होता तो हम आपकी बात सुनते,
पिछले कई वर्षों से हमारा तबेला उसी जगह पे है। आपने हमारे तबेले के सामने अपनी बिल्डिंग बनाई है, हमने आपकी बिल्डिंग के सामने अपना तबेला नहीं बनाया। और फिर ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। ए किशन भाई, तू क्या, आपने अपनी बात कही ना, हमने सुनी, अब हमें बोलने का मौका दीजिए। मकान बेचने और खरीदने का कारोबार आपका है, हम दूध वाले हैं, तबेला हमारा मंदिर है और हम अपने भगवान का सौदा नहीं करते। जय राम जी की। चलिए पंडित जी, चलो भैया। भैया लोग भी साले मोटे चमड़े के होते हैं, ये लोग ऐसा नहीं सुनेंगे। ओडा साहब, साले का सीन चौवन करना पड़ेगा। भैया जी, लगता है बात बहुत आगे बढ़ सकती है। हाँ भैया जी, हमें भी ऐसा लगता है, पर इसमें अपना का गलती है? बात गलती की नहीं है। आइए भैया जी, हमदर्द साहब से मिलते हैं। अब ये कौन है भैया जी? लीडर सा आदमी है, आपको याद है ना, जिसने मेरे रिक्शे का परमिट बनवाया था। हाँ वही आदमी, बहुत काम का आदमी है। चले चलो, तुम खाली घर बैठ के इंडियन डिसिप्लिन को गालियां दो, यहाँ बैठ के बोलती रहती हो टीवी के सामने ऐसा खेलते हैं वैसा खेलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। काल जी खेलो ना, दियो मेलिया, काल जी दूध दिले होता ना ते सगळा फाटला। फाटला क्या फाटला? बोलो कि तुम्हारा क्लासमेट। ए भैया देखो चाची का बोल रही है फाटला फाटला। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा आनी चाहिए। हे गे पैसे है, चांगलो दूध दे। राव दे आई, घर की बात। आई उज्ज्वला आली है ना? हो बेटा। तिलानी वड़ला ना घ्यू ने गणपतित? जरूर बेटा। बरा एक मिनट होल्ड करो। अबे फाटला फाटला भाषा सीख तो फट जाएगी। 15 लीटर? हाँ 15 लीटर। हाँ ठीक है। देखिए हमदर्द जी, हम तो शुरू से ही इस जगह पे बसे थे, अब अचानक कुछ लोग आकर हमसे कहने लगे कि आप ये जगह छोड़ दीजिए। अब आप ही हमको बताइए कि ये जगह छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहाँ, और इस पूरे मामले में हमारा क्या गलती है? अच्छा एक बात बताइए, आपका हिंदी बहुत साफ है, कौन गांव के हैं? जौनपुर। गांव कौन सा? पेपल सरा लखनापुर। आए? और हम सागंज के? अरे 5 कोस की दूरी पे। अरे बम्बई तो कमाल का मेला है भाई, यहाँ तो जन्मों का पिछड़ा भाई मिल जाता है। एक भाई और मिल गया। अरे चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और एक एंसी लिखा दीजिए, बस। अब क्या, भाई मिल गया, चलिए आइए। आप काहे का चिंता भाई? अरे ये बम्बई का सारा समस्या हमारे सर पे है, आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, जाइए। अरे किशन भैया, ऐसे मुंह लटका के जाइएगा, आज से ही तबेला हमारा हुआ, हम देखेंगे। प्रणाम। नमस्कार। कभी दिस प्लेस इज अमेजिंग। हां जानता हूं, इट्स सो ब्यूटीफुल। हियर आई गो। ये देखो, इसको भी यही जगह मिली सोने के लिए। अरे ये कौन है? लुक एट दैट गाय। ए जिंगल। सपने में कौन मैडम? अरे ये तो अपने भैया की मैडम है। मैडम आप? नमस्ते। नमस्ते। अरे हीरा भैया, रखा क्या नया है? मैडम आई है, रखा छोड़ा भैया, चलो चलो आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम, कबीर का दोस्त। हम भीखा लाल है, यहाँ साफ सफाई का काम करत है। बोले हाँ? हम सजीवन, गोबर उठाने का काम करते हैं। बस हम हीरा है, भैंसों को चारा देते हैं। प्रताप भैंसन का दोनों ही करते हैं। हम राम भरोसे मवेशियों को नहलाते हैं। दूध कैसे निकालते हैं? कमल शुरुदार। Can I do it? या, आ, आ, देखो क्या हो रहा है। तुमने किया है कभी ये सब? नहीं। कौन है ये भाई? भैया मैडम है, कबीर भैया की। हाँ? कबीर भैया की मैडम।
अरे आओ इधर आओ बैठो। अरे नहीं होता। होगा। दिल चाहता है। ये छोटा तो अपना बहुत खोटा निकला भाई। साथी यारे
जयकर। हाँ सर। इधर। कब तक चलता है तेरा धंधा? 1:30 तक चलता है साहब। धंधा ही नहीं साहब। कब तक चलाने का? 4:00 तक परमिशन मिलेगा तो अच्छा है साहब। ये पवार। वो साहब। इसका लाइसेंस चेक कर रहे हैं। कब तक चलाने का? सुबह तक साहब। इतना धंधा नहीं है सर। ये लो। धंधा नहीं चलता ना? नहीं सर, धंधा बिल्कुल नहीं चलता। नहीं चलता। धंधा नहीं चलता। क्या बोलता रहे शेट्टी? मुंबई में साले का धंधा नहीं चलता। अब बंद कर तामझाम साले का। साहब हमारे अन्ना को छोड़ दो साहब। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा साहब। पवार लेके चल इसको। चल बंदोबस्त पे। ये वर्ती मगा नीनू वंचित्य वंचित ना अच्छी फटले। देखा साहब का बंदोबस्त। लेके जा रहे इसको? हाँ साहब। ए संसारे कचरा थारे कचरा। संसार है ये तो कमाल की प्रॉपर्टी है रे। साहेब ये बिल्डिंग कुछ काम की नहीं है। ये बिल्डिंग के आगे भैया लोगों का तबेला है और तबेला कभी हटेगा नहीं और बिल्डिंग कभी बनेगा नहीं। बिल्डर की तो लग गई। अरे साहब इस बिल्डिंग में ना फ्लैट व्लैट खरीदने का सोचना भी नहीं। बहुत लोचा इस बिल्डिंग में। अपने और भी बिल्डर दोस्त लोग है ना, आपको एक अच्छा फ्लैट दिला देता हूँ मैं। ए पवार बड़ा सोच बड़ा। एक काम कर, इस बिल्डर के साथ मेरी एक मीटिंग रखवा, फिर देख अपन क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं। चला दारू पिलाता हूँ। ओए साहब। गुड मॉर्निंग भैया। खुश रहिए। कोई इंटरेस्टिंग न्यूज? अपने इस मुल्क में बीच बीच में कोई ऐसा आदमी आ ही जाता है कबीर, जिससे लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। जी। कल रात अपने इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने बियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का ही बियर बार बंद करवा दिया। लगता है रामराज्य लौट रहा है। तो फिर क्या देखा? कपरे। ये सब कब हुआ रे? गेम बजाने के पहले या गेम बजाने के बाद? गेम बजाने के बाद। इस मामले में अपने साफ सुमको बड़ी है। अच्छा। हाँ मौका देके चौका मार देते। सचिन तेंदुलकर। साहब की स्टाइल अपने को बहुत पसंद। अच्छा। मुझे हमेशा कहते हैं गोंदिया बड़ा सोच बड़ा। ए ए साहिब वाले रे बैठ रहे।
बैठ गोंदिया। नमस्ते साहब। बैठ ना गोंदेलकर, बैठ। क्या बोल रहा था? स्टाइल क्या बोला? नहीं साहब, वो ऐसे टाइम पास कर रहे थे। वो एंट्री क्या बोल रहा था? नहीं, वो एंट्री है ना साहब, आप बहुत स्टाइल से एंट्री मारते हैं ना, गुंडे लोग भाग जाते हैं इसीलिए। चौका 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 क्या बोल रहा था? चौका कैसे मारता हूँ? वो सचिन तेंदुलकर की चौके की कमेंट्री चल रही थी इसलिए। अच्छा, एक्टर है साला। अच्छा वो बता साहब, बड़ा सोच बड़ा, वो कैसे बोलता हूँ? साहेब आप हमेशा कहते ना मुझे गोंदिया, बड़ा सोच बड़ा। क्या गोंदिया, ये स्टाइल नहीं देखा था ना? बड़ा सोच बड़ा, पर कभी कभी बड़े को खड़ा मिल जाता है, समझ में आया? साहब ये फाइल अब ये रख रहे, क्या इस फाइल में? मर्डर, रेप, रॉबरी, हटाए सब रे। ये पवार, सदी की सच्चाई मालूम क्या? माहिती नाही साहेब मला। ए गोंदेलकर, किती वर्ष झाला रे तुला? 12 वर्ष झाले साहेब। फिर भी कुछ नहीं सीखा? आप लोगों के हाथ के नीचे जितना सीखा उतना सीखा साहब। तो सुन, सदी की सच्चाई है पैसा, पैसा कंट्रोल तो क्राइम कंट्रोल। होय साहब। ए पवार, इस एरिया का पैसा किधर जाता है? यही चीज का सबसे पैसे वाला एरिया। ये शोरूम वाला देता है क्या? हो साहब, बराबर देता है। ये वाला देता है क्या? हाँ साहब, टाइम पे देता है। और सामने वो ज्वेलरी वाला देता है क्या? हाँ साहब, अपन दे तो टाइम ओवर क्यों नहीं तो। और ये नींबू वाला? जाओ देना साहब, गरीब आदमी लिंबू बेचता है। कुछ तो बेचता है ना। हे गोंदिया, जब तू रिटायर होगा ना, देखो बाजू में साला बाकला भी नहीं देगा ये। बात करते। अरे साहब, ये उड़ा का ही फोन है, उसको बोल मिलने का है। हे उड़ा। लाल साहब, सिटी टावर की सेल्स रुकने से मेरे सारे काम अटक गए, पता नहीं ये तबेला कब खाली होगा। अरे वो जगह तो मैं कब की खाली करवा देता, पर वो भैया हरा भी निकला। क्या है ना साहब, वहाँ एक लोकल लीडर है, क्या नाम है उसका? हमदर्द। हाँ, उसको साथ में लेकर उसने साहब के खिलाफ एनसी कर दी, तो मेरे छोकरे तो बहुत भड़क गए। तेरा नाम क्या है? हाँ? नाम पकया। पूरा नाम? प्रकाश सावंत। ए पवार, इसका डिपार्टमेंट में कौन सा मैटर है रे? छोड़िए ना साहब, आप काय को बात को बढ़ा रहे हैं। लेकिन डर गया साहब, आपने एकदम डर गया। साहब ने बोला ना, ए तेरा पूरा नाम बोल, अपनी तो साला एकदम डर गया। क्या है ना साहब, अगर अपने छोकरे वहां पर घुस गए ना, तो पूरा मैटर हुड़ा साहब पे आएगा। इस मैटर में मैं हाथ डालूं तो? अरे तो डालिए ना साहब, मुझको तो सिर्फ तबेला खाली चाहिए। चल खाली किया। टॉप फ्लोर मेरा, टॉप फ्लोर मेरा, टॉप। दिया। चल फ्लैट बेचना चालू कर। ए पकिया, तू मिल मेरे को बाद में, हंसते हो अच्छा दिखता है। लय बोल बचने बाप। गंग गणेश गणपत गज नायक गड़ा धच गण दंता दाता ध्यान धरत कन कटत कलेश गिरधा गिरधा गिरधा। हरि का नाम सत्य है। वाह किशन भैया वाह, आज जीवन में पहली बार लगा कि गणपति बप्पा अपने सही जगह पर बैठे हैं इस तबेले में। कुछ तो बात है इस जगह, 8-10 करोड़ से क्या कम होगा? पता नहीं हमदर्द जी, अब देखिए दाम तो उस चीज का लगाया जाता है जो या तो बिकने वाली हो या खरीदी जाने वाली हो। क्या बात है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आज से 18 बरस पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमने 13,500 रुपया में इस जगह को खरीदा था। खैर छोड़िए, सब लड़कन लोगों ने मिलकर एक ठो प्रोग्राम तैयार किया है, कनक निगाह पड़ जाता। चलिए, ऐसा का प्रोग्राम रखे हैं किशन भैया? अरे कुछ नहीं है हमदर जी, नौटंकी का प्रोग्राम। क्या बात है, शैला बिहारी को बुलवाए हैं बिहार से। तब तो बहुत मजा आएगा। आइए। कहाँ चले, रुकिए तो सही,
अरे प्रोग्राम तो बहुत देखे होंगे ना आपने, काशी से रांची तक और रांची से झांसी तक, जीजा से साले तक और साले से साली तक। ऐसा नहीं देखे होंगे। हाँ, ये ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, ये डिफरेंट है, और वो भी मुफ्त में। भैया लाल चुनरिया माँ चांद समुखड़ा, चांद सा हमरे करजवा की कोर, पिपरा के पतवा सा हाल डोले मनवा, पिपरा के पतवा सा हाल डोले मनवा, ताकल देशवा कियो उठत हिलोर करे का भैया। लागल चोट कर जवा हमरी भरी जवानी में, गई रे गई, गई रे गई, गई रे गई, गई रे गई, गई रे गई भैंस पानी में, भैंस पानी में, ओ रम रम भरी जवानी में, गई रे गई भैंस पानी में, गई रे गई भैंस पानी में, ओ लगल चोट कर जवा हमरी भरी जवानी में, गई रे गई भैंस पानी में। छज्जू के चौबारे भैया, छज्जू के चौबारे भैया, फागुन की वो राते हमद हुई बेकरी, पनघट पीछे अंबुआ के नीचे प्यार की मीठी बातें, सरसों के पीले फूलों में छनकती थी झांझरिया, महुआ के जैसन महके गोरिया, चम 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 के बिजुरिया, हो आई गई आड़े हमरी गरीबी प्रेम कहानी में, गई रे गई, गई रे गई, गई रे गई भैंस पानी में, गई रे गई भैंस पानी में, ओ लागल चोट कर जवा में, ओ हमरी भरी जवानी में, गई रे गई भैंस पानी में, पानी में मेरे भैंस पानी में। अरे डॉन बने अमिताभ ने खाया, डॉन बने अमिताभ ने खाया पान बनारस वाला, अरे भाई कजरा लगाई के, अरे धन्नो धन्नो कही के दिल पोवा ले गए, हाँ ले गए बैजंती माला लगाई के। हमरे भी पाँव में बांध दे घूंघर, हाँ घूंघर, हाँ घूंघर, देखा ताल हमारी, ओ
ओढ़ चुनरिया हम भी नाचे लय पे प्राण प्यारे कहिए क्या चाहिए आपको। तू कौन? किशन यादव। यह तबेला अपना ही है। तो तू ही नहीं चाहिए मेरे को? हाँ जी। 3 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर ले और निकल ले अपने प्रदेश को। क्या सोच रहा भैया, जितना बोला उतना सुन। नहीं, हम ये नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जब आप बाहर से अंदर आए थे तो एक तो बोर्ड लगा है, वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो एक दफा बाहर जाकर उसको पढ़ लीजिए। क्या बोला? देखिए क्या बोला, मेरे को मारेगा? देखिए साहब, हाथ मत उठाइए। पुलिस वाले बाहर उठाएगा? हाथ काहे को उठाते? पुलिस वाले को मारेगा तेरी। आप हाथ मत उठाइए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ करेगा? देखिए हम आपसे क्या गड़बड़ करेगा। मेरा भैया क्या मार रहा है? भाई क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है? पुलिस वाला बेटा, पुलिस वाला बेटा, भाई साला गुंडे पालता साला, यहाँ पे रुक जा। कोई हाथ नहीं लगा साला, सब दूर रहे, चल दूर रहे साले को, पुलिस वाले को मार साले। भैया वही खड़े रहे, डाल दूंगा साला, खड़े रहे वहीं पे साहब। बच्चा मार साले को साहब, उसको पता नहीं था कि आप पुलिस वाले हो साहब। साला पुलिस वाले पे हाथ डालता, कल सुबह देख तेरा तबेला वेला क्या करता हूँ। आज इसको और कल ही तेरे को। चुप रहो। देखिए साहब, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे सामने लाल साहब हमारे भाई को उठा के ले गए। साहब नहीं है, आप एक दफा हमको मिल लेने दीजिए ना उससे। अरे बोला ना तेरे को लाल साहब इधर नहीं आया, चल फोट निकल यहाँ से, निकल। आप हमको अंदर जाने तो दीजिए ना, इधर तेरा कोई भाई भाई नहीं है, चल। अरे हमारे भाई भाई बनता है तेरे को भाई के लिए। ये पवार कमर तोड़ इसकी। एक बार अरे मिलने तो दीजिए आप लोग को।
जाने दीजिए। तो पीछे अंदर ले जा रहा उसको। अरे साहब हम क्रिमिनल थोड़े ही हैं। बुढ़ा है हमदर्जी। हमदर्जी ये लोग कबीर को उठाई के ले गए। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए किशन भैया। देखते हैं थाना में कौन है क्या कह रहा है। यस भैया। साला कितना मारा रे। हाँ कितना मारा रे तूने सांप को। अबे भैया शर्ट पैंट पहन लिया तो साला तू अपने आप को भाई समझने लगा। हा? बहुत बड़ा भाई है तू साला। साला सांप का खून निकाला तूने। साला इंस्पेक्टर तू है कि वो है। साला सांप को मारता है। ए, लाल को बुलाओ। बोलो हमदर्द आया है। ह्यूमन राइट्स वाला हमदर्द। लाल साहब कहाँ है मालूम नहीं है। है नहीं मालूम है। ये जो वर्दी पहन के घूम रहे हैं तुम सब, और ये जो इतना बड़ा पुलिस स्टेशन बनाया है ये हम लोगों के पैसे से बनाया है। हम लोग टैक्स देते हैं तब चलता है ये। एक बात बता देते हैं कि 2 मिनट के अंदर अंदर हमको फोन पे बात करवाओ लाल से, नहीं तो यही हम इसी पुलिस स्टेशन के सामने हाथ साफ कर देंगे, मिटा देंगे अपने आप को। इन्खलाब इन्खलाब। फिर देखना तुम लोग कि हमदर्द क्या कर गया। अब हम यही हमरा लंचन करेंगे। अबे डाल तेरे लाल साहब क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो डाल रहे हो और क्या कर रहे हो। अरे यही तो अपना मेन मोहरा है। चलट अबुल साहब यहाँ कोई हमदर्द आया है। अबे कौन है ये हमदर्द। बोलता है अगर 5 मिनट के अंदर लाल साहब से बात नहीं करवाई तो मैं इधर ही चलकर मरूंगा। बोला मर ले बोल उसको। अरे साहब वो हमदर्द वही है वो लोकल लीडर। फोन दे उसको। हाँ एक मिनट लीजिए लाल साहब से बात कीजिए। हाँ लाल हम हमदर्द बोल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वाले हमदर्द। अरे सब राइट में छोड़ा के बात कर चल। क्या समझ रखा है आपने। ए ज्यादा डालो मत सुना मेरे को। ए क्या रे। हेलो हाँ हमदर्द। हाँ अभी हम लोग मिल लेते हैं और सब सलट जाएगा। आते हैं का कहते हैं लाल। किशन भैया आप जाके महामृत्युंजय का जाप कीजिए। हम अपने छोटे भाई को जीवित वापस लाएंगे। सब ठीक तो है नामदर्ज। सत्य बोलो मुक्ति है। सब हमदर्द जी। ए सतीश। हाँ भाई चले चले इसको। तुम भाई ये लोग सुधरेंगे नहीं। हरी का नाम सत्य बोलो लाल। हमदर्द जनता का हमदर्द है। वो जनता का साथ देता है अत्याचार करने वालों का नहीं। ए, हमदर्द तेरे को पता होता किस पे हाथ उठाया लाल पे। तो पुलिस वहां क्या करने गई थी रात के 1:30 बजे तबेले में। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो गरीब कहां गुहार लगाएगा किसका दरवाजा खटखटाएगा। हमदर्द साहब आप सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अरे आप तो चाहते ही हैं कि गरीब तबेला छोड़कर चला जाए पर हम आपका सपना पूरा नहीं होने देंगे। हम जान से जान लड़ा देंगे खुद को मिटा देंगे लेकिन गरीब की जान पे जीते जी आंच नहीं आने देंगे। सब आपकी वजह से रात को डाल देता ना तो ये मच्छर सुनने को नहीं मिलता। तो डाल देते लेकिन एक बात याद रखो कि अगर कबीर को कुछ हो गया ना तो पूरा शहर जल उठेगा। 20 लाख कुत्तर भारतीय लोग जिन्हें तुम भैया कहते हो सड़कों पर उतर आएंगे और उसमें सबसे पहला बलिदान मेरा होगा। हमदर्द साहब आप बिना वजह बात को बढ़ावा दे रहे हैं। जो होना था सो हो गया। अब सोचिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। चलिए माना तो कि समस्या है और अगर समस्या है तो समाधान भी। तो बताइए ना शोज द वे आई एम विद यू। अरे जब साथ हैं
तो मिल बांट के सुलझा लेंगे। लेकिन बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। ग्यारह प्रतिशत का नेग लेता हूं बस। सब ठीक तो है ना? अरे कबीर कहाँ है? ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि जहां भी है जैसा भी है जीवित। तुम्हारे का क्या? Bullshit! ऐसे कैसे कोई पुलिस वाला से कहीं भी ले जा सकता है? We won't tolerate all this, हाँ? आप देखिए कि मैं उसको मीडिया के सामने कैसे एक्सपोज करती हूँ। तनिक बात करे के हो तो किसान अकेले में। अरे वो इंस्पेक्टर लाल है ना, वही वो कबीर की जान की कीमत मांगता है। तो हमको बताइए, हमको बताइए ना, क्या चाहता हो, कितना पैसा चाहिए उसको फिरौती में? अरे पैसा चाहिए होता तो हम उसके मुंह पे मार के आते कि उस ससुरे को तो आपका तबेला चाहिए। का? हाँ हाँ आपका तबेला। किशन भैया ये मुंबई है, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से जिया जाता है। हमको मालूम है उसने हुदा से सौदा कर लिया है। कौन बूढ़ा? बिल्डर? हाँ यहाँ इस लंका में जिसे देखो वही बावन गज का निकलता है। पर हमने भी कह दिया है कबीर के जान पे 100 तबेले कुर्बान। पर नहीं किशन भैया, सर सलामत तो 1000 पगले। आप हमसे कहिए ना, जान देते, आहुति देते, अनशन कर दे, क्या करे बोलिए तो। हम जानते हैं अंत में सत्य का ही विजय होगा, पर इस सत्य के बदले कहीं कबीर को न खोना पड़े। वैसा आपको करना है? काल किसी का समय नहीं देखता, जो करना है जल्दी कीजिए। हरि का नाम सत्य। पंडित जी, जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं हमें निपटना पड़ता है ना? हाँ जी। और वो सामान उठा लो वहां से। और भैया एक बात बता, क्या हम सच में ये तबेला छोड़ देंगे हमेशा के लिए? गंगा भैया झुंगुर का रोते रहे तू? अरे तो का किशन भैया ने एक बार बात समझाई तो का समझ में नहीं आई? अरे तो का तबेला ज्यादा प्यारा है कबीर भैया की जिंदगी? रोता है, बड़ा है रोने वाला। चल हमल मन, चल निकल यहां से और रोना दोनों बंद कर। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, गई रे गई। ससुरों की भैंस ही पानी में चली गई। क्या रे, तू भी तो भैया ही है ना? हाँ तो तेरे को तो उनका साइड लेना चाहिए ना? अरे ले तो रहा हूँ, कहा था जिंदा भाई लौटा दूंगा, लौटा रहा हूँ। अरे भाई हर धंधे का वसूल होता है। किशन हम डिवाइन कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, हमारी डीलिंग हमेशा ये लोग बिना किसी की नहीं होती। आप डरिए मत, हरि का नाम सत्य है। चलो भाई।
ठीक हो जाएगा किशन भैया। चिंता करने का कोई बात नहीं है, तुम्हारी तो माया है, आती जाती रहती है। भाई जिंदा बच गया, बहुत बड़ी बात है। किशन जी लीजिए, आप यहां से साइन करना शुरू कीजिए, दस्तखत करना आता है ना। देखिए एक बार हमारे कबीर को तो दिखा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले साइन तो कर दो, भाई को भी मिलवा देंगे। तुम लोगों को अभी कबीर को देखना है? हाँ हम लोगों पे भरोसा नहीं क्या? अरे अभी तक जिंदा है वो, मारा नहीं उसे। अरे कमाल करते हैं आप, दिखा दो भाई को, भाई का सवाल है, है? ये लोग भी ना सच्ची यार। हाँ लाल साहब किधर हो आप? ऊपर ही आ रहा तुम लोग के पास। अरे नहीं 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 उधर ही रुको आप, उनको भी वापस कबीर को देखना है। तुम लोग बहुत नल्ले आइटम हो, बहुत पका रहे हैं। अभी तो पेपर नहीं साइन करवाया। ए संसार है, गाड़ी लेके आ। बुला उसको। आओ दर्शन करो। उठ रहे, नाटक नहीं कर, ये संसार है, इसको सीधा कर। सीधा बैठ रहे। देखा जा, साइन कर अभी। देख लिया ना, अब साइन करो पेपर्स। जाना है ए हुड़ा सा, पेपर साइन करवाइए। कितनी बार प्यार से समझाया था, तबेला उधर शिफ्ट कर दो। अब वो जगह भी गई और तबेला भी। चलो चलो साइन करो। बोलो तुम लोग। थाड़े साहब, अरे उड़ा साहब धार पड़ गई पुलिस से। क्या सपना हो गया? चलो पकड़ निकल जाते हैं। पेपर थाड़े साहब यशवंत पकड़े। हो साहब आप लोग यही रुकिए, साहब की हिफाजत के लिए। Multi Desai, anti-extortion sir. Raise your hands a bit more. You're under arrest. Kabir? Bas, bas. Chup, chup. Lal sir, kya bigada tha humne yahan? Imandari se rehna ka gunah hai. एक छोटे आदमी को बड़े शहर में बड़ा बनने का हक नहीं है लाल साहब। ए भैया बंद कर अपना ये नौटंकी, प्यार से समझ नहीं आना तेरे को, भेजता हूँ साला तेरे को प्रदेश। और ये कैमरा, अपने आप को बरखादत समझती है ना, दिखाता हूँ तेरे को एक्शन रिप्ले। देखिए चोट जो है सो है, बट आई थिंक ही इज साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड। ठीक ही है, वो बच्चा थप्पड़ का दर्द नहीं जानता था, उसको बहुत बेरहमी से मारा है इन लोगों ने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो, ऑल वेल? यस एवरीथिंग इज ओके। कबीर कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है, हिज कंडीशन नाउ इज इंप्रूविंग। मैंने दवाइयों के लिए कह दिया है। He should be stable in no time. ठीक है। You please go ahead. Okay. I'll make a move. Thank you.
अनु तुम कैसी हो? I'm fine, Malti. How are you? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे पास लाल के सराउंडिंग्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? अभी तो नहीं है, but if you want, I can get you. Okay, will you do that, please? Yeah, sure. Thank you. यादव जी, कल आपको आना है ACP साहब से मिलने ऑफिस में। देखिए मालती जी, हम दूध बेचने वाले सीधे साधे लोग हैं। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। हम कोई कानून कायदे के पचड़े में ना फंसाइए। यादव जी, कानून है तो आज भी आपका तबीला आपके पास है, कायदा है तो आज आपका भाई जिंदा है, और हर आदमी आपकी तरह सोचने लगेगा तो कैसे चलेगा? हाँ अनु, समझाओ ना इन्हें। आप बस एक बार कोर्ट में आके गवाही दीजिए और फिर देखिए, ये सारे करप्ट ऑफिसर्स जेल के अंदर होंगे। और अब मेरी बात का यकीन मानिए, आप दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज घबराइए मत। अरे साहब, यकीन मानिए, वो स्पोर्ट्स में हमेशा अव्वल आती थी। और उसको NCC में इतना इंटरेस्ट था कि उसकी पढ़ाई पे असर होने लगा, मगर फिर भी वो रात रात भर जाग कर कवर कर लेती थी। मैं आपको एक बात बताऊं, माई डॉटर इज वेरी डेडिकेटेड। वो जितनी कड़क बाहर से दिखाई देती है ना, वो उतनी ही। अरे मालती बेटी, हम तुम्हारे बारे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए हॉल में आइए। अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ, आप लोग बैठिए। देखो मालती, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम खामखा मेरे केस को बड़ा कर रही हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, आज तक इस देश में कोई पकड़ा गया है क्या? अब पिछले दिनों की बात ले लो, 7 साल की लड़की का बलात्कार हो गया था और कानून ने उस आदमी को अगले दिन ही छोड़ दिया, इसलिए कि उस लड़की ने चिल्लाकर यह नहीं कहा कि बचाओ बचाओ मेरा बलात्कार हो रहा है। कैन यू बिलीव दिस? और रही बात इन भैयों की, इनको तो एक फोन कॉल में मरवा डालू मैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एंड यू नेवर नो कौन किस वक्त किसके काम आ जाए। इसलिए इन भैया भैयों का टेंशन छोड़िए आप, इनका कोई अर्थ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? फॉर मी ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट। वैसे आपकी रिपोर्ट कमिश्नर साहब तक पहुंच गई है और आपकी कल वहां पेशी भी है ना? अब जो होगा वहीं पर होगा। वैसे आप एक और कप चाय पियेंगे? God bless you. हेलो, ये किशन है करे तिकड़े? अबे भैये, किशन है क्या उधर? अगर उस भैये के वजह से हमारा साहब अगर सस्पेंड हुआ ना, तो तुम जितने भी उस MG रोड पे रहते ना, सबके अंदर ठोक दूंगा। समझा क्या? चल अभी फोन रख, चल। अब कहने और सुनने को बाकी कुछ नहीं बचा। मिस्टर लाल, मैंने देखा है कि हमारे महकमे में आप जैसे बहुत से ऑफिसर आते हैं जो अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन सर मैंने ऐसा... मिस्टर लाल, आप डिपार्टमेंट से सस्पेंड किए जाते हैं। लाल के आंख, इसकी लाल अब पीला नहीं नीला पड़ गया ससुरा। राम कसम, भगवान के घर तेर है, अंधेर नहीं। चल हट पाचू। अरे राजू, ले मिठाई।
ए, बंद कर इसको। बड़ा सोच, बड़ा बड़ा सोच बड़े को भी कभी कभी मिल जाता है खराब। अरे क्या कर रहे साहब, कहां से डाल देंगे आप, कुछ है ही नहीं उधर, गवर्नमेंट का सामान था ले गए वो लोग। ये साहब ये रख लो रख लो रख लो, इम्पोर्टेड है। हाँ साहब आप भी ना, इसलिए ऐसे इन छोटे लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। ये साले छोटे लोग ना, कंधे पे बिठाओ तो कान में मुत्ते साले। आपका नौकरी भी साला केले की छिलके की तरह है, कभी भी उतरता है साला। देखो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको सस्पेंड कर दिया। क्या रे हाँ, कल तेरे को कितना पैसा मिला बोल बोल साहब को। एक खोखा। हाँ क्या किया ये, क्या किया साहब ये, एक बंगले पे तीन बार फोन किया, खोखा घर पर आ गया जगह पे। चुप करेगा क्या, डर गया मैं साहब। मैं डर गया साहब। अब वो भैया क्या आइटम नहीं किया है सब कुछ। करता हूँ साहब, मैं करता हूँ कुछ। कबीर तुम कल से अकेले मत आया करो। क्यों? सलीम के साथ आया करो। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? वो पक्का तुम्हारे पीछे था। अपना तो यही हिसाब है भाई, 100 बार डराने का, 1 बार दे डालने का। बिल्कुल सही भाई, डाल दो साले को। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। चलो चलो ऊपर चलो।
कहे जहां तक संग चलूं, बहका बहका फिरूं तेरी खुशबू से, पाया है तुझे बड़ी ही जुस्त जू से। संग चलूं, बहका बहका फिरूं तेरी खुशबू से, पाया है तुझे बड़ी ही जुस्तजू से। भैया का हुआ? का हुआ? का हुआ भैया? वहां पे गौरी को देखिए। ये गौरी को का हुआ? साला हमेशा अपने छोकरे लोग के साथ घिरा रहता है। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं। यहाँ कबीर डेयरी फार्म की दूध की गाड़ी उलटने से 2 वर्करों की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई है। अनुसीकरी मुंबई इंडिया टीवी। जी
का इस तरह से मिलना अपशगुन होता है। इसे रोक लीजिए। एक तो तुम कहते हो बड़ा करो, बड़ा बड़ा सोचो, बड़ा जो करके आए हो वो क्या है? दो छोटे वर्कर को एक छोटी सी दूध की गाड़ी में सवेरे सवेरे दोनों को पलटवा दिया। ये काम तो हम यहीं बैठे बैठे कर लेते भाई। हम तो सोचे थे कि तबेले में आग लगवाओगे कबीर और किशन। ए लाल, मेरे मन में अजीब तरह का भय पैदा हो गया। परसों अगर किशन का वो बैल कबीर कोर्ट में बयान दे दिया तो हम सब के लग जाएंगे। चुप बैठ। बड़ा सोच, बड़ा हमदर्द, बड़ा सोच। ए काले कोट, या मुजरा सुनने आया क्या? चल बता इसको। अरे भाई पूछेंगे तो बताएंगे ना। चल ज्यादा भाव मत खा, चल बता। देखिए क्या है, जो मैंने इस केस के बारे में स्टडी की है उससे तो काफी कुछ क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन जब गोबर में पैर पड़ेगा तो छींटे तो बदन पे आएंगे ही ना, और इस गोबर को तो पूरे भारतवर्ष ने देखा है। अभी सबसे पहला काम अपने को कबीर को किसी भी कीमत में कोर्ट में पहुंचने से रोकना होगा, और दूसरा मालती देसाई ने जिस किसी से भी ये स्टेटमेंट ली है उसे फॉल्स साबित करना होगा, और अदालत में यह कहना होगा कि यह मालती देसाई के दबाव में लिया गया है, और तीसरा सबसे अहम सवाल कि कोर्ट में किसी ऐसे आदमी को अपने सर पे यह इल्जाम लेना होगा कि यह सब कुछ उसने किया है। बस चल दिया। एक आदमी ने केस अपने सर पे लिया, यह ना मेरा पुराना आदमी है संसारे। अब एक काम की बात सुन, अगर मैं अंदर गया तो बहुत लोचा होगा, अगर मैं बाहर रहा तो सबको बचा लूंगा, और तेरे को तो बचा ही लूंगा रे। साहब मेरा घर। घर? अरे तेरे भी बच्चे का टेंशन मेरे पे छोड़ना। ए उड़ा, चल संसारे को 50 एडवांस दे, ठीक है ना? हाँ। 50 खड़िया आज सब लोटन लाई बैठे हैं। कुदन दूल्ले रहो लो। हाँ ఎంకులు నాలంజిన్న దోస్తుల కులొందు ఫీల్డింగ్ తాగుందుల్లా. ఎత్తు ఫోర్త్కు ఫిదాడు వేరు, ఫిదాడు సస్తే ఎన్కు ఫోన్ మల్పు లేవా. అందు 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 మూలుల్లా ఎంకులు ఎడమజన ఒట్టుగుల్లా ఇనియాన మల్పర ఉండు అన్నా. అన్నవా, హలో ఒంజిమింట్ తెరగో బరాబర్ మాలూమే నా ఓలోకి ఇద్దరు సే జాతే. రోజు ఏ రస్తే సే అమర బార్ సి పీకే నికల్తే. ఠీకే రుక్తే. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಬತ್ತಾರ ಠೀಕ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಿದಾಡಿ ಸಾ ಅಚ್ಚ ಆಗ ದೇಕೋ. ಅಣ್ಣ ತೂ ತೋ ಬೋಲತಾ ದೋನೋ ಆಯ್ಗೆ ಇಸ್ಮೇ ತೋ ಖಾಲಿ ಏಕ್ ಹಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋ ದೋನೋ ಸಾಥ್ ಮೇ ಮೇರೆಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಲಾಲ್ ಕಿಧರ್ ಉತರ್ ಗಯಾ ಬೀಚ್ ಮೇ. ಅರೆ ಯಾರ್ ಈ ಆಯಾ ಊ ಗಯಾ ಈ ಸಬ್ ಛೋಡೋ, ಈ ಬತಾವೋ ಕರ್ನಾ ಕಹಾಂ ಹೈ. डाल दे। ए, हटा रे। ये क्या तेरा बाप कर रोड़ा है? ಹಾಕ್
गया मेरी बात तो सुन ले। ऊपर वाले छिनाल के पास चला गया। अरे नहीं गया रे, मैं तेरे को मार डालूंगी। तू अपने आप को दादा समझता है क्या? मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। गन रख नीचे। पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे मेरी बुलबुल, मेरी जाने जिगर। ये ले पकड़। और ये ले, देख तेरी खुशबू वाला लाया हूँ मैं। ले ले ले। तू जो है ना, मुझे हर बार इसी तरह मनाता रहता है। तेरे को काय को बनाएगा रे मैं? अगली बार ऊपर गया ना तो देख, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। हाँ अरे यार, निकाल 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 जल्दी। अरे बाबा, ओह ये पेट कम करना चाहिए, फिर भी कम करना चाहिए सारा। आ जा। अरे बाप रे। लगे रहे लगे रहे, रुकता हूं मैं। ए तू क्या कर रहा है इधर? तूने अगर मेरे को कुछ किया ना, बहुत भारी पड़ेगा। चल निकल निकल यहां से। ए चुप, क्या बोला था भाई तू? पैंट शर्ट पहन लिया तो भाई बन गया क्या? तेरे को मालूम है आदमी को भाई बनने के लिए पैंट शर्ट नहीं पहनना पड़ता, आदमी को भाई बनने के लिए गेम करना पड़ता है। किया दादा, जैसे हम जी भाई सन का काटे रहे वैसे तुम्हों का काटते। ए हुडा, आज मुझे पता चला कि तू तबेला क्यों नहीं खाली कर सका, क्योंकि तेरे पास लोग थे पकिया जैसे, सिर्फ बोल बचन वाले, काम के तो थे नहीं। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। वही भैया लोग हैं जो तुम्हारा वर्दी उतरवाए हैं और पाकिया को लिटा दिया है। अब बोल दिया ना, अब देख मैं क्या कर। कैसे आदमी के साथ रहते हैं भाई आप? सलीम, अपना अन्ना सबको बहुत भारी पड़ गया है। कान खींच डाला साले लोग ने मेरा। लेकिन ध्यान रखना, तुम दोनों पर भी उसको बहुत डाउट है। क्या करेगा, आने दे उसको। कबीर भाई, जब अल्लाह का करम अपने सर पर है ना, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा बाल भी बाका कर सके, है ना बिंदास? कबीर एक बात याद आई, वो पटेल है ना अपना सामने वाला गुजराती, उसने पूछता था यार कबीर भाई एक मैटर लेगा क्या बोला। कबीर भाई? अरे अन्ना, अपने को भाई भाई थोड़ी बनना है यार, अगर भैया सुनेंगे ना तो मेरे को बहुत मारेंगे। अच्छा भाई, चल अपना ख्याल रख। चलता है। ओके जी। सलीम, हाँ भाई, तू भी अपना ख्याल रखना। अच्छा Thank you.
का करने आए थे और का करने लगे। शुरुआत हमने नहीं की थी भैया। शुरुआत किसी ने भी किया हो लेकिन तुम भी तो वही करने लगे ना जो वो लोग करते हैं। अब सो जाइए भैया, रात बहुत हो चुकी है। हाँ, तुमरे ही बात कह देने से हमको नींद आ जाएगा। ये रात नहीं है कबीर बाबू, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि हमारा छोटा भाई मुंबई शहर का सबसे बड़ा भाई बनने की राह पे चल पड़ा है। एक मिनट भैया, आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी जो हमारा रक्षक है एक दिन हमारे तबेले पर आता है, धमकाता ही नहीं है, मुझे उठाकर भी ले जाता है और मुझे बुरी तरह से मारता है, और जवाब में जब मैं उसे चोट करता हूं तो अधर्म हो जाता है। आप ही ने मुझे सिखाया था ना भैया कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अपनों का भी खून बहाना पड़े तो पीछे मत हटना। तो क्या हुआ, आज आपकी गीता गलत हो गई भैया? और मैं आपकी तरह डर डर के नहीं जी सकता। कबीर, तुमने हमारी चुप्पी को हमारा डर समझ लिया। चलो मान लो हम डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, मगर किसके लिए? तुम्हारे लिए, उन वर्करों के लिए जो अपना गांव, अपना परिवार, अपनी बाड़ी छोड़कर यहां हमारे साथ पड़े हैं, उन पशुओं के लिए जो तुम रहो हम रहो उन वर्करों का पेट पालते हैं। और हम आज तक अपने बारे में कुछ कहें? आज तक हम अपने बारे में कुछ कहे हैं? और तुम क्या समझते हो जी, क्या समझते हो तुम? जो आदमी आज से 18 साल पहले एक ठो भैंस लेके इस मुंबई शहर में आया था, वो आदमी आज 500 भैंसों का मालिक का डरते ही डरते हो गया। भैया मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। भैया हमने तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, इतने बड़े हो गए कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने की ताकत हम में नहीं बचे। जैसा उचित लगे करो यार। भैया आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं कुछ भी बोल देता हूं लेकिन करता तो वही होना जो आप चाहते हैं, है ना भैया? बताइए भैया क्या करना है? बेटा, कोई कुत्ता अगर आदमी को काट ले तो आदमी पलट के कुत्ते को नहीं काटता। कुछ गंदे और अपराधी लोगों से निपटने के लिए हम काहे को गंदे और अपराधी हो जाएं? इंस्पेक्टर मालती ने हमसे कहा, उसने हमको विश्वास दिलाया कि अदालत हमारी रक्षा करेगी, हमको विश्वास करना चाहिए। और फिर
जो न्याय हमको अदालत के माध्यम से मिल सकता है उसे हम खुद हासिल करके अदालत का काहे अपमान करें। हम अदालत जाएंगे। लेकिन भाई आपने मुझे बहुत जोर से मारा। अनु अनु कोर्ट नंबर 17 11 शार्प ओके यस श्योर आई विल सी यू ठीक हाँ तो आप मुझे बताइए अरे कबीर कबीर एक मिनट रुको एक्सक्यूज मी आज मुझ पे गुजरी
जिसको सुना के डोरी सीने पे था सुलाया, उसका जनाजा मैंने गोदी में उठाया। कानून गर यही है, कानून गर यही है, बनाते बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है। इस चोट कवर हम तो दुनिया में नहीं कोई, बार दिल थरोया अब आंख भी है रोई। आदर्शों के सफर में अनमोल चीज खोई, इस बोझ को उठाना आसान नहीं है कोई। खाए जो बाढ़ खेती, खाए जो बाढ़ खेती, लगाते क्यों हैं तोड़ने हैं अगर रिश्ते बनाते से बात हो गई है। वो इस केस के लिए एक स्पेशल जूरी बिठा रहे हैं जिसके लिए वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। आप चलिए मेरे साथ। सबसे कह दीजिए कि ये भी अपने अपने घर लौट जाए। ये हमारी लड़ाई और अपने हिस्से की लड़ाई
हर आदमी को खुद लड़नी पड़ती है। चले जाओ आप सब। ठीक है, तुम कहा था तो चले जाइए वापस, पर हो ही सके तो जाए से पहले हमार हिसाब कर दे। हाँ, तुम कसम घत रहे, इतने दिन यहाँ हाथ गोर तुड़वाए कर हम ऐसे ही बोरिया बिस्तर लपेट कर खाट खड़ी कर निकल पड़ेंगे। अरे चुटिया रखे थे तो आए हम। बता क्या हिसाब बनता है तेरा, बोल बोल। तू 1953 रुपया तू है, चाहो तू हमरी अम्मा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए दिए रहो, ये हिसाब है हमार। 25,000 मेरे ऑटो रिक्शा खरीदने को दिया था ना, उसी का। 13,500 जो हमरी बहन के गौना के लिए दिए रहे ना, वो हिसाब है हमार। और तुम्हें क्या लगता है, हमरी अम्मा हमको घर में घुसने देगी जब उसे यह पता चलेगा कि हम किशन यादव को वहां मुसीबत में अकेले लड़ने छोड़ के भाग आए हैं मुंबई से जान बचा के? और वैसे भी एक बात बताइए, काहे चले जाम यहां से, बोलिए काहे चले जाम यहां से? खटमल के डर से खटिया नहीं छोड़ देते हैं किशन भैया। अरे अगर ये उसूल जो चल गया दुनिया में तो कौन कौन कहां लौट कर जाएगा? आप हमारे बड़े हैं किशन भैया, पर एक बात हमारी सुन लीजिए, यूपी बिहार ही नहीं पूरा देश हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, गुजरात हमारा है, यहां तक कि केरल और कश्मीर भी हमारा है। इसलिए अब हम लोगन में से कोई भी यहां से लौट कर नहीं जाएगा, और जो लोग हमसे तबेला छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं ना, जाएंगे तो उस साले यहां से भेज देंगे इन सालों को वही जहां से ही पैदा होकर आए थे। पंडित जी सब लोगों को चाय पिलवाओ। मार खाएगा, अब सुबह 4 बजे उठ के हमको रोज दूध लेना पड़ेगा, इतने खराब दिन आ गए हैं क्या मेरे? नहीं नहीं मेरे कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है।
अभी तक आप जो भी बात हमसे कहे हमने सुने, एक तो बात हमारा भी सुन लीजिए, या ऐसे नहीं आएंगे सले, इनको लेके आओ। कल, कल, अबे कल, कल, कल। क्या बताए थे तुम हमको इस मुंबई शहर के बारे में? वो मिला है जो पिछले भाइयों को मिलाता है, पर आज हम तुमको मुंबई शहर के बारे में एक बात बताते हैं। ये वो शहर है जो किसी का उधार बाकी नहीं रखता। यहां जिंदगी का सबरा हिसाब किताब मरने से पहले हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी और खून का खून। क्या बात कहा करते थे? हरि का नाम। हाँ, हरि का नाम सत्य। ना ना ना, ना। एक तो और बात बोला करते थे तुम, क्या था? सत्य बोलो मुक्ति है। हाँ हाँ, सत्य बोलो मुक्ति है। हाँ, सत्य बोलो मुक्ति है। हाँ, सत्य बोलो मुक्ति है। हो गया भैया। हाँ, चलो पवार। हो सर, मर्डर तो उधर हुआ है, फिर इधर खून किसका है? मालापन का समझ लेना है साहब। चला मेरे साथ। मिस्टर लाल, आप यहां क्या कर रही हैं? ए दिनकर। हो सर, अकल नहीं है, किसको भी अंदर आने देता है? चलिए यहाँ से। चलो चलो मैडम, चलो बाहर जाओ। ओ मैडम, बाहर निकलो, चलो चलो चलो। वैसे शक किस पे कर रहे हैं आप? वो भैया लोगों पे, वो भैया लोगों ने गेम चालू करके अच्छा नहीं किया। शुरुआत तो आप लोगों ने की थी, वो भैया लोग तो सिर्फ इसे अंजाम दे रहे हैं। ठीक है।
बूढ़ा क्या बात है। गुड मॉर्निंग लाल साहब। ये गुड मॉर्निंग छोड़, भैया का गेम हो गया। कौन भैया? वो अपना खादी भंडार हमदर्द। कब हुआ, किसने किया? देखना बूढ़ा, ये भैया लोगों का साला नाम और निशान मिटा दूंगा शहर से। ओके, बहुत हो गया नाटक सालों का। ओके, सलीम। हाँ। सारे फसाद का जड़ यही है, इसी को चाहिए था तबेला। हाँ भैया, यही है जिसने कहा था कि तकलीफ मुझ पर आएगी तो तुम पर आएगी। बस थोड़ा तकलीफ और। सलीम गाड़ी दबा। अरे क्या, गाड़ी ठीक से नहीं चलाते, मारोगे क्या? हेलो हुडा। भैया बोल रहा हूँ। कौन भैया? दूध वाला किशन यादव। हुडा कहाँ रहे? कार पोटी पोटी चल। वो तो चले गए। तुम का इस दुनिया में अकेला छोड़कर ऊपर चले गए। वो का कहे थे यार तुम हमसे? आज इसको कल तेरे को, आज इसको कल तेरे को। तो एक बात हमरा भी सुन लो लाल। आज इसको तो आज ही कल में तेरे को। तो मिलना फिर किधर है बोल। अगर आज के बाद तो का अपने आसपास दूध दूध वाला भैया दिखाई देना तो ये समझ लेना कि तोरा मौत आ गया। ए भैया ये बोल बजन छोड़। एरिया बोल एरिया। आता हूँ वहां तेरे पास। अगर आज के बाद तो का अपने आसपास दूध दूध वाला भैया दिखाई देना तो ये समझ लेना कि तोरा मौत आ गया। दूध कितना डालूं? क्या रे साहब, चाय है साहब, दूध कितना डालूं? ये चल हटा तेरा दूध, जा। ए सोलंकी। हाँ साहब। देख आजू बाजू कोई भैया तो नहीं है? देखता हूँ साहब। Two people have been brutally murdered in broad daylight in public places. So far, Mumbai police has been unable to nab down the culprits. ये क्या हो रहा है मिस्टर लाल? बड़ी मुश्किल से इस शहर को क्लीन किया था, फिर वही एक दिन में दो दो नामचीन लोगों के कत्ल। लेकिन सर आप... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे ये शहर क्लीन चाहिए। इस कत्ल के सिलसिले को रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो। सर अगर आप इस कत्ल के सिलसिले को रोकना चाहते हैं तो हमें कई काबिल ऑफिसर्स खोने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बार आम आदमी को क्रिमिनल बनाने में हमारे क्राइम रोकने वाले भी जिम्मेदार होते हैं। मिस मालती देसाई, आपको नहीं लगता आप डिपार्टमेंट ज्यादा उन लोगों पे भरोसा करती है?
जो शक्ल से तो शरीफ देखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे मिस्टर लाल, आपके मुंह से ऐसी बात। स्टॉप इट। मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप दोनों एक ही जोन के हो, ना कि बहस के लिए। मिस्टर लाल, कत्ल करने वालों को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। आई गिव यू फ्री हैंड। नहीं सर, यू हैव टू थिंक अबाउट। थैंक यू सर। अब आप देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मरेंगे साले। पता है ना, आज मैंने कमिश्नर साहब को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उनसे बहुत कहा कि किशन यादव और उनके आदमी निर्दोष हैं, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे कबीर का मर्डर भी हुआ है मेरी वजह से। वो बेचारा तो कोर्ट आना ही नहीं चाहता था। मैंने किशन यादव से कहा, नहीं उसे लेके आओ, मैं संभालूंगी। क्या संभाला, कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे के वैसा चल रहा है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? यू नो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कभी कभी तो मन करता है ये सब छोड़ छाड़ के मैं किशन यादव का साथ दूं। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। शायद तेरे को बोला था ना, जब भैया लोग आए तो मुझे टिप देने का। क्या रे शेट्टी, तू अब ऐसा भैया लोग को हथियार खरीदने को दे रहा है क्या? ये पब्लिक को पुलिस की बात बातों से समझ नहीं आती। हे पवार, पैसा कंट्रोल तो क्राइम कंट्रोल। हे राजेश, उठा ले। बुंदेलकर, उधर देख। अबे रख ले, तेरे बुरे वक्त में काम आएगा। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, एक बुरी खबर है। वो लाल ने शेट्टी और सलीम को मार दिया। हेलो असलम। हाँ आई है खतीब। हम कहे थे तुम लोगों से, मत भेजो, मत भेजो पवन को और पंडित जी को हुआ कबेले में। हेलो आई। हाँ बेटा। मैं किशन बोल। तो आई तू आ स्कूटर रे बाबा, दो दिन से मैं तेको ढूंढ रही हूँ। काय झाला तिकडे? आज मैं तेरे तबेले में गई थी दूध लेने। दूध वूध नहीं मिलता इधर, बंद हो गया। चल निकल बाहर यहाँ से। जल्दी से आ जा। हेलो हेलो किशन बेटा, तुम घर जाओ। ठीक है।
आओ। पंडित जी है, उतारो नीचे। अरे उतार यार। पवन, पवन चल चल चल। हाँ कहाँ तुम मरता वाह। जब अगर कुछ हुआ ना तो गंगा कसम यही लेके को गाड़ देंगे। कहाँ गए ये गूंगे? किधर है रे भैया? बोल बोल ना। हाँ साहब, किधर है किशन? अरे मैंने किशन भैया को गोली मारी यहीं के छुपे लाए। सारे भैया यहीं के छुपे। ये गूंगे बोल ना। क्या थूकता तुम मेरे पे गूंगे? तेरे बवर। हाँ बोल ना बवर। हाँ सर। साजा भैया लोग किधर गए? ढूंढ साला को, आज कोई साला बचना नहीं चाहिए। उधर जा। ओ सर भक्तों में ये दया भैये लोग किधर है रे? ये देख रहे इधर, ये साले लोग गए किधर? ए चल रहे, इसका काम हो गया, दूसरे को ढूंढ। मेला एक मेला। ए हो चल ना, कुटे कुटे फिरता चल। भागेगा? भाई को छोड़ा रे, मेरा भाई था क्या? साला। ए पाटिल को उधर क्या हुआ रे? देख उधर। किशन भैया, तू साला भी गया। तेरे पवन।
ध्यान रखना अपना।